नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिलायंस के स्टॉक के बारे में। एंड सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं मैं। रिलायंस के स्टॉक की बात की जाए तो यहां व्यू वन साइडेड है, पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है, होल्ड का है, बिल्कुल भी बेचना नहीं है, ये व्यू है। अब इसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं कि क्यों है ऐसा व्यू और आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना और समझना कि इस स्टॉक पे इतना बुलिश व्यू है क्यों। देखिए, स्टॉक का भाव रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू गिरता जा रहा है और एग्जैक्ट डेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो 20 जुलाई 2023 से शेयर का प्राइस टूट रहा है। जब से कंपनी ने डीमर्जर की एक्स डेट बोलूंगा मैं, जब जियो फाइनेंस का शेयर डीमर्ज हुआ उस दिन के बाद से ये स्टॉक कंटिन्यू टूटता जा रहा है। ऊपर में जो स्टॉक 2750 रुपए का था अभी वो 2350 पे आके खड़ा हो गया है। हालांकि दूसरी तरफ जियो का शेयर 230 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जिसको आप इसमें इंक्लूड कर दोगे तो ऑलमोस्ट 2580 रुपए के समथिंग का हो गया टोटल, तब भी 200 रुपए नीचे ही है अभी डीमर्जर के बाद से। अब यहां पे पहले मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। एक, जब इस स्टॉक का भाव 2480 रुपए पे था तो मैंने आपसे कहा कि पहला इंस्टॉलमेंट डालो, दूसरा 2420 पे डालना है, तीसरा 2360 और चौथा 2320 रुपए के समथिंग, ये चार थी। और पांचवा इंस्टॉलमेंट जब स्टॉक रिकवर करने लगेगा तब डालना है, राइट। ये कमेंट आया था मेरे पास कल एक कि भाई अभी आप थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, इस तरीके से करोगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लीज इसे क्लियर कीजिए। तो उस समय स्टॉक का भाव 2480 रुपए का था, तब मैंने ये स्ट्रेटेजी शेयर करी थी। जब 2540 पे था तब भी यही कहा था कि 2480 पे पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा। अब अगर किसी ने मेरी वीडियो 2500 रुपए पे देखी थी और 2480 पे पहला इंस्टॉलमेंट डाला, 2420 पे दूसरा डाला, 2360 पे तीसरा डाल दिया है, चौथा 2320 पे डालेगा और पांचवे के लिए रिकवरी का वेट करेगा या हमारी बात का वेट करेगा, वो एकदम ठीक कर रहे हैं। आप टेंशन फ्री होके बैठो, आपने 2480, 2420, 2360 तीन इंस्टॉलमेंट डाल दिए, हमने 100 रुपए को पांच हिस्सों में बांटा था, 20 20 20 20, आपकी तीन चली गई है, 60 रुपए लग गया है। आपकी एवरेज बाइंग मेरे हिसाब से अराउंड 2380 या 2400 रुपए के करीब होगी, ठीक है जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने बहुत ही प्यारा काम किया है और बहुत ही डिसिप्लिन से किया है, तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज है, डिसिप्लिन नहीं रहता किसी पे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा नहीं बनता, अगर डिसिप्लिन है तो पैसा बन जाएगा। अब मैंने जो दो तीन दिन में जो स्ट्रेटेजी शेयर करी है वो ये है कि अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 2380-2400, यही लगा दो, फिर ऐसे लगाओ, फिर वैसे लगाओ, जो भी मैं शेयर करूंगा वो इसलिए क्योंकि अगर किसी ने मेरी वीडियो अभी पहली बार देखी है तो उनको पता होना चाहिए कि ये लेवल ड्रीम लेवल है, अब आप इससे गिरने का वेट मत करो, करंटली ही खरीदो, समझ रहे हो। अब जिन्होंने तब देखी बहुत अच्छा है। अब यहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपने अभी तक लगाया ही नहीं है या लगाने की सोच रहे हो तो भैया मौका मत ढूंढो कि और गिरेगा तब लगाऊंगा, है कोई नहीं खरीद पाया आज तक गिरावट में। आपको शेयर चुनना है, उसके बाद भाव चुनना है, फिर लगाना शुरू करना है, उस भाव पे हिलना नहीं है। अगर उस भाव पे कॉन्फिडेंस चल गया तो सब खत्म। देखिए, इंसान क्या करता है, 100 रुपए पे कोई चीज ले रहा है, सोच रहा है 120 हो जाएगी तो बेच दूंगा, 120 होने के बाद सोचता रहता है 130 हो जाए, 40 हो जाए, समझ रहे हो बात को। लेकिन वो नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखता कि इन केस अगर 115 के नीचे गया तो मैं 15 पे भी बेच दूंगा, इस चक्कर में कभी कभार उसका पूरा फायदा छूट जाता है। अब दूसरी तरफ आदमी सोचता है कि 100 रुपए पे लेने के बाद 100 रुपए पे चीज है 90 पे आ जाए तो ले लूंगा, 90 पे आने का कहता है यार थोड़ा और गिर जाए ना तो ले लूंगा, पता चले दोबारा 95 का हो गया। आपको अपना जो सोचा हुआ है उस समय जब चीज होगी ना आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, पहले ही सोच लो तभी ले पाओगे। अब करंटली आपको जो रेशियो है वो बदलना है, क्योंकि पहले जो रेशियो निकल गया ना, अभी 2350 पे ऑलरेडी मैं कहूंगा 20% यहाँ लगाओ, 2320 पे लगाओ, फिर नीचे लगाओ, बेकार है यार। करंटली आपको 30% लगाना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं डाली है, एक भी सिप नहीं करी है इसमें, 2350 रुपए पे 30% लगाओ, और 35% भी चाहो तो लगा सकते हो। जिनके पास ऑलरेडी है और मेरे पहले से एवरेज कर रहे हैं उन्हें वही रेशियो फॉलो करना है 20-20-20% का, और जिन्होंने अभी तक एवरेज नहीं करा है, पहली बार करने जा रहे हो, तो जो अमाउंट लगाना है उसका 35% या 30% अभी लगाओ। 2320 या 2310 पे आता है, एडिशनल 25-30% लगाओ, मान के चलो 30 अभी लगा दिया, 25 तब लगा दिया, 55% हो गया 2320 रुपए तक, बचा हुआ 45% जो आपका है उसको आपको वेट करना है, रिकवरी आ रही है या और डिप आ रही है। मैक्सिमम ये शेयर जो टूट सकता है वो 2240 रुपए तक टूट सकता है, 2200 या 2240, और ऊपर जो जाएगा 2800 तक जाएगा, 3000 भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 12 महीने रुकोगे तो, और ये 2650 तो किसी भी दिन हो जाएगा, जहां आपको 10-12% का डायरेक्ट मुनाफा होगा। तो इसको बिल्कुल नहीं बेचना है,
करंट लेवल से लेना है, गिरावट में लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है होल्ड करना है। अगर आपने ले लिया मेरे कहने से, अपने हिसाब से, किसी के भी हिसाब से, और मार्केट के व्यू में, किसी भी खबर में बेच दिया, ट्रस्ट मी यू विल रिग्रेट। इसलिए बने रहना मेरे भाई, पैसा बनाओगे आप। रिलायंस जैसे स्टॉक पे भरोसा नहीं हुआ तो किस पे हो पाएगा, बस इतना समझ लेना ये कंपनी आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगी, मेरे को बेचना है, बस इतना, बाकी कुछ नहीं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।